लोग, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द सेशन एंड माय नेम इज अनुभा गौर, योर केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु एंड आई वेलकम यू टू ऑल टू आवर प्लेटफॉर्म कॉल्ड एज वेदांतु 910। और आज का टॉपिक क्या होने वाला है इन फ्रंट ऑफ यू, मोलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो बहुत अच्छे से करेंगे। आई होप आपने ऑलरेडी जो चार सेशन मैंने प्रोवाइड किए हैं वो अच्छे से देख लिए होंगे, बिकॉज सम हाउ वी गोइंग टू यूज दैट नॉलेज इन दिस सेशन ऑल्सो। सो टेल मी, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए आप सब लोग तैयार हो? आई एम प्रीटी श्योर आप सब लोग तैयार हो। डू लेट मी नो, गिव मी अ थम्स अप, हिट द लाइक बटन एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन विद नन अदर देन योर केमिस्ट्री मास्टर टीचर। चलो फिर आज की क्लास में क्या सीखेंगे, सबको पता है मोल के बारे में सीखेंगे। We'll clear all our conception about this topic कि मैम ये मुश्किल है, तो बहुत easy बनाने वाले हैं, बिल्कुल tension नहीं लेने का और आराम से सारा पढ़ने का और last तक रुकने का, because I'll give you all the important informations और बहुत सारा questions भी discuss करेंगे। All right everyone, so let's understand what exactly is a mole. Definitely not there which you can see के मोल इज एन एनिमल, मैम क्या वो पढ़ेंगे? अरे मैम इतना तो हमें पता है, क्या बात कर देते हो, ये मोल तो बिल्कुल नहीं है बेचारा, इसको क्यों हम केमिस्ट्री में लेके आए। वील टॉक अबाउट सम स्पेशल मोल, ओके? तो बिल्कुल बात करेंगे। जस्ट रीड दिस विद मी। द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी कैरेक्टराइज बाय इट्स मास और द नंबर ऑफ पार्टिकल। मैम कुछ समझ नहीं आया, डोंट वरी, आज की क्लास में बिल्कुल समझ आ जाएगा। देखो मैं अभी बताती हूँ, आपके पास कोई भी क्वांटिटी आती है या तो आप उसको मास में मेजर करते हो। कैसे? कि मॉम आई रियली वांट टू बाय मैंगोस, तो मैं मार्केट गया और मैं 1 kg मैंगो लेके आया, तो आपने क्या बोला कि मेरे पास मैंगो थे 1 kg, मास के फॉर्म में लिया। या फिर आप गए स्कूल, तो मैम ने बोला आपको कि आपको एक स्पेशल प्रोजेक्ट करना है और आपको 1 dozen पेंसिल लेके आना है, तो आपने पेंसिल को मेजर किया 1 dozen में, है ना? डजन का मतलब क्या होता है सबको पता है, 12 articles, पेंसिल्स मतलब 12 pencils, है ना? कभी कभी हम एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मास को यूज करते हैं, कभी कभी हम किसको यूज करते हैं, डेफिनेटली कुछ फिक्स क्वांटिटीज यानी कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज, कभी डजन यूज करते हैं, कभी पेयर यूज करते हैं, कभी ग्रॉस यूज करते हैं। मैम ग्रॉस, हाँ कुछ होता है अभी बताती हूँ। तो ये मतलब था इस लाइन का कि किसी क्वांटिटी को मेजर करना है, समटाइम हम मास का सहारा लेते हैं और समटाइम हम कुछ नंबर जितने प्रेजेंट है उसके फॉर्म में मेजर करते हैं। 12 थे, 15 थे, ठीक है, 1 pair था, इस तरीके की क्वांटिटीज। तो चलो इस बारे में और अच्छे से जानते हैं और उसको केमिस्ट्री से कैसे लिंक करेंगे बिल्कुल सीखेंगे। अभी बताओ मुझे, हाउ विल यू काउंट द शूज, कितने शूज थे? ऐसे नहीं बोलोगे ना मैम 2 shoes थे, बट ऑब्वियस हम क्या बोलते हैं, मेरे पास अ पेयर ऑफ शूज थे, तो अ पेयर ऑफ शूज, एक पेयर था। एक पेयर का मतलब मुझे पता है 2 quantities जिसके अंदर होती है, राइट? अगर मैं डजन की बात करूं तो क्या बोलोगे कि डजन में मैम होते हैं 12 articles। अब 12 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हमने क्या दिखाया है, बनाना, सो मे बी 12 bananas, 12 pencils, 12 mangoes, 12 कुछ भी हो सकता है, राइट? तो डजन रिप्रेजेंट करता है एक फिक्स क्वांटिटी। क्यों यूज करते हैं? जस्ट टू मेक थिंग्स ईजी, कि बार बार 12 12 एक फिक्स चीज का नाम दे देते हैं डजन। उसी तरीके से पेयर, अ पेयर ऑफ सॉक्स, अ पेयर ऑफ शूज, है ना? पेयर का मतलब 2 quantity। अगर मैं ग्रॉस की बात करूं, ग्रॉस में होता है 144 articles, 144 नंबर ऑफ समथिंग, ठीक है? अगर मैं एक और नया टर्म सिखाती हूं आपको, दैट इज स्कोर, और 1 score का मतलब होता है 20 articles, मतलब 20 of something, ऑलराइट? तो ये सब हम यूज करते हैं नॉर्मल मैथमेटिक्स में, हमारी डे टू डे लाइफ में। डजन रिप्रेजेंट सम फिक्स क्वांटिटी, ग्रॉस रिप्रेजेंट सम फिक्स क्वांटिटी, स्कोर रिप्रेजेंट सम फिक्स क्वांटिटी। बट अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूं, तो हमारी केमिस्ट्री में होते हैं पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कौन से होते हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो उसको कैसे काउंट करेंगे? क्या कोई एक बेटर मेथड है? क्या हमेशा मैं कोई बड़ी बड़ी क्वांटिटीज लिखूंगी या कोई छोटी छोटी क्वांटिटीज लिखूंगी?
तो साइंटिस्ट ने सोचा चलो इसको इजी बनाते हैं, तो उन्होंने एक नंबर हमें रिप्रेजेंट करके दे दिया। और वो क्यों जरूरी था, कभी मैंने आपको बताया होगा कि एक रेन ड्रॉप में भी कुछ 10^21 पार्टिकल्स होते हैं, एक छोटा सा रेन ड्रॉप, मतलब आपके एटम्स इतने छोटे होते हैं कि आप कोई पॉसिबल मिनिमम क्वांटिटी भी लेते हो उसमें भी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो क्या आप हमेशा ऐसे लिखोगे, मेरे पास 1.06 × 10^28 पार्टिकल्स थे, मेरे पास 6.044 × 10^20 पार्टिकल्स थे, ऐसे याद करते करते ऐसे बड़े बड़े नंबर्स लिखते लिखते तो पागल हो जाओगे। तो साइंटिस्ट ने एक नया नंबर डिसाइड किया, किसने डिसाइड किया बिल्कुल उसके बारे में बात करेंगे, और उसको बोल दिया मोल। जैसे कि डजन, ग्रोस, स्कोर ये सब यूज करते हैं, वैसे ही केमिस्ट्री में हम एक फिक्स क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मोल यूज करेंगे, ठीक है। और मोल क्या है, मोल एक नंबर है, मोल कोई मेरा वो एनिमल मोल नहीं है, मोल कोई जो हमारा बॉडी पे होता है वो मोल नहीं है, एक मोल रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ फिक्स क्वांटिटी, कुछ फिक्स पार्टिकल, और वो कितने हैं, 6.022 × 10^23 पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, केमिस्ट्री में पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, कुछ भी। एक मोल का मतलब समझ में आया, फिक्स कर दिया ताकि केमिस्ट्री को, ताकि बड़ी बड़ी क्वांटिटीज को थोड़ा छोटे तरीके से पढ़ सके, आसान तरीके से पढ़ सके, ठीक है। और इस क्वांटिटी को, इस वन मोल को हम क्या बुलाते हैं, एवोगैड्रोस नंबर और एवोगैड्रोस कांस्टेंट। क्यों, एवोगैड्रो से क्या कनेक्शन है, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने ये दिया उसका नाम था एमेडियो एवोगैड्रो। एवोगैड्रो नंबर पहले हम रिप्रेजेंट करते थे Na से, एवोगैड्रो नंबर अब रिप्रेजेंट करते हैं एन नॉट। एन नॉट, नॉट हम लगाते हैं कुछ स्टैंडर्डाइज करने के लिए चीज़ों को, तो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, एक फिक्स क्वांटिटी है। ये देखो कितने जीरो, अगर मैं जीरो हटा के लिखना शुरू करूं, ओ माय गॉड, आई एम नॉट इवन एबल टू काउंट इट, पूरा थोड़ा टाइम लग जाएगा, है ना। तो मोल इतनी बड़ी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको केमिस्ट्री में इतनी आसानी से लिख दिया, है ना। पता चला किसने दिया, एमेडियो एवोगैड्रो, ठीक है। तो इस पर एक फेमस केमिस्ट्री जोक भी हम बच्चों को सुनाते हैं कि एवोगैड्रो इज समथिंग जो बोलता है कि यू कैन ईजिली टेक माई नंबर, इट्स ऑलवेज देयर विद मी, सी एवोगैड्रोज नंबर इज सो ईजी टू गेट इट, 6.022, आप लिखते रहो इसको और पढ़ते रहो, है ना। नाम लेम जोक भी बताते हो आप, चल जाता है कभी कभी। ओके एवरीवन, सो अब ये बात तो एकदम क्लियर हो गई केमिस्ट्री की कि वॉट इज अ मीनिंग ऑफ वन मोल, वन मोल ऑफ एनी थिंग। वन मोल ऑफ एनी थिंग का मतलब समझ में आया, एनीथिंग का मतलब केमिस्ट्री में तो क्या होता है, ये एक फिक्स क्वांटिटी होगी, इसको याद कर लेना अच्छे से। तो जैसे हम डजन ग्रोस को यूज करते हैं वैसे ही मोल को यूज करेंगे एक फिक्स क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसलिए इसको एक और नाम से बुलाते हैं, पता है क्या, माय मोल इज नथिंग बट लाइक अ केमिस्ट्स डजन। जैसे डजन यूज करते हैं केमिस्ट्री में, हम मोल यूज करते हैं, सो केमिस्ट लोगों का डजन की तरह काम करता है। ऑल राइट, तो जैसे बताया वन मोल में चाहे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स कुछ भी हो, अ फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर मैं बोल रही हूँ मेरे पास वन मोल हाइड्रोजन एटम है, मतलब मेरे पास 6.022 × 10^23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, राइट। अगर मैं बात करती हूँ मेरे पास वन मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, याद रखना कभी इसमें कंफ्यूज मत होना, वाटर एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स, ओके। तो एक मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का क्या मतलब है, 6.022 × 10^23 वाटर मॉलिक्यूल, वन मोल हमेशा फिक्स होगा और जिसके भी बारे में बात करेंगे उतने वो पार्टिकल्स हो जाएंगे। जैसे कि वन मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड का क्या मतलब है, वन मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड में मेरे पास 6.022 × 10^23 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड है। आई थिंक आई टोल्ड यू इन द लास्ट सेशन फॉर्मूला यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स, व्हेनेवर आई टॉक अबाउट आयनिक कंपाउंड जो आयन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो उनका जो केमिकल फॉर्मूला है उसको हम फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। जैसे कि NaCl, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव आयन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो सिंपलेस्ट क्वांटिटी, वो सिंपल यूनिट जो
सारे के सारे कंपाउंड के चार्ज को डिफाइन कर दे, सारे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव. मतलब आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को उठा के लिख दो, वो एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला यूनिट हो जाएगी. तो एक फॉर्मूला यूनिट कितनी बार रिपीट होता है? 6.022 × 10²³, और तब जाके मुझे मिलता है 1 मोल ऑफ NaCl. ऑल राइट, तो चलो मोल को कैसे डिफाइन किया ये देखो. साइंटिस्ट लाइक चलो अब इसको मुझे ये बताओ, ये 1 मोल में 6.022 × 10²³ मिला कहाँ से? तो देखो क्या है, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट दैट कंटेन्स एज मेनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स. एलिमेंट्री पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स, एज देर आर एटम्स इन 12 ग्राम मास ऑफ C12. क्या समझ रहे हो इसे, क्या समझ में आ रहा है? साइंटिस्ट ने बोला पता ही, ये रेफरेंस हमें कहाँ से मिला, कार्बन 12 का पीछा ही नहीं छोड़ेंगे. तो उन्होंने बोला कि आपको पता है कार्बन जो 12 था, यानी कि 12 यूनिट जिसका मास था, उसकी मैंने 12 ग्राम क्वांटिटी ली. प्लीज डोंट बी कंफ्यूज, ये 12 अगर मैं एक कार्बन एटम की बात करती हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड एंड लिसन टू मी, एक कार्बन एटम का मास होता है 12 यूनिट. अब मैं बात कर रही हूँ 12 ग्राम की, ठीक है? 12 ग्राम में वो बोल रहे हैं जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने फाइंड आउट किए उसको नाम दे दिया एवोगैड्रो नंबर, और वो पार्टिकल्स निकल के आए 6.022 × 10²³. यानी कि फिर से मैंने कार्बन को रेफरेंस माना, उसके पार्टिकल्स निकाले, और कमाल की बात ये है कि कार्बन के अलावा मैंने जिस भी एलिमेंट को देखा उसमें हमेशा सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे थे अगर मैं उसके एटॉमिक मास को ग्राम में लिख रही थी. यानी कि अगर मैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन लेती हूँ, दैट विल ऑल्सो गिव 6.022 × 10²³ पार्टिकल्स. अगर मैं कॉपर की बात करूँ स्टूडेंट्स, एक कॉपर एटम का मास होता है 63.5 यूनिट. तो अगर मैं उसी क्वांटिटी को उतना ही ग्राम में लेती हूँ, दैट इज ऑल्सो हैविंग सेम, दैट इज एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो देख रहे हो, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर is still having the same number of particles, that is 6.022 × 10²³. क्या conclusion निकल के आया कि 1 mole of anything, चाहे आपके पास 1 mole atoms हो, molecules हो, ions हो, particles हो, वो quantity है that is having a mass equal to its atomic or molecular mass written in gram. मतलब अगर मैं carbon का mass 12 unit है, अगर उसको gram में लिख लूँगी तो उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे. अगर मैं वाटर की बात करूं तो 18 यूनिट होता है मास उसका, हमने पहले भी बात की थी, वाटर का मास है 18 यूनिट, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास था 18 यूनिट. अगर मैं उस क्वांटिटी को ग्राम में लिख लूंगी 18 ग्राम, उसमें भी एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, लेकिन एवोगैड्रो नंबर ऑफ क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स. बिकॉज वाटर इज व्हाट, अ मॉलिक्यूल, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक मोल ऑफ वाटर देंगे मुझे, एक मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल देंगे, ठीक है? अगर मैं बात करूं NaCl के स्टूडेंट, सोडियम क्लोराइड, उसका मास जब मैं ऐड करूंगी, इट केम आउट एज 58.5 ग्राम. क्यों? ये मेरा एलिमेंट लिया मैंने पहली बार कार्बन, दूसरी बार मैंने क्या लिया वाटर विच इज अ मॉलिक्यूल, तीसरी बार मैं क्या ले रही हूँ फॉर्मूला यूनिट्स आयनिक कंपाउंड. इसमें भी देखा मैंने जब उसकी क्वांटिटी को ग्राम में लिया, that is also representing my same number of particles, that is Avogadro number, but इस time क्या लिखूंगी? Formula units, इतने number of formula units, यानी कि ये quantity हमेशा fix रहती है, अगर उसके atomic mass, molecular mass, formula unit mass को gram में लिख दो, you will get the same number of particles, isn't it amazing? सोचो chemistry कितनी easy हो गई, अब ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, मुझे 2 से 3 बातें याद रखनी है, and chemistry is so easy, that 1 mole is this much quantity, 6.022 × 10²³, and that is also equal to atomic mass, molecular mass, formula unit mass written in gram. तो मैंने मास को क्वांटिटी से कनेक्ट कर दिया, मैंने एक फिक्स मास को, अगर मेरे पास मास है किसी भी एलिमेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड का, तो मैं उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट कर सकती हूँ. अगर मेरे पास उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो मैं उसका मास फाइंड आउट कर सकती हूँ. मोल ने एक ब्रिज सेट कर दिया मास में और उसकी क्वांटिटी में. जैसे कि पहले के टाइम में यू नो बैंक में ऐसा होता था कि
के कॉइन्स आने शुरू हुए एंड दे आर लाइक काउंटिंग ईच एंड एवरी कॉइन. इतने सारे 5 रुपीज के कॉइन आए, 5 के कॉइन आए, सोचो बार बार काउंट कर रहे हैं. इट्स लाइक मैनुअली काउंट होता था, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस था. देन दे आर लाइक के कुछ तो बेटर सोल्यूशन होगा ना, तो क्या किया उन्होंने, उन्होंने बोला एक 5 रुपीज का जो कॉइन होगा उसका देखा वेट तो फिक्स है क्योंकि स्टैंडर्ड तरीके से बनते हैं, और उसे एक 5 रुपीज के कॉइन का वेट जब उन्होंने इंडिविजुअली चेक किया, मेरी बात को ध्यान से सुनो, दैट केम आउट एज 0.1 ग्राम. आई एम जस्ट गिविंग सम हाइपोथेटिकल नंबर, ओके, कि एक 5 रुपीज का जो कॉइन था, 5 रुपीज का कॉइन था, उसका वेट आया 0.1. तो उन्होंने सोचा, दिमाग लगाया, चलो मैथमेटिक्स को यूज करते हैं, जितने 5 रुपीज के कॉइन आए उन्होंने सारे को वेट कर लिया. सपोज दैट वेट केम आउट एज 5 kg, ठीक है, मेरे पास 5 kg आए, 5 kg को मैं लिख सकती हूँ 5000 ग्राम, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, दिस मच मैथ्स यू नो. तो उन्होंने बोला देखो कितना आसान हो गया, मेरे पास क्वांटिटी थी, मेरे पास मास था, मैं उससे नंबर ऑफ क्वांटिटीज निकाल सकती थी. कैसे? माय 0.1 ग्राम मीन्स आई हैव 1 कॉइन, राइट. माय 5000 ग्राम मतलब मेरे पास कितने कॉइन होंगे, 1 divided by 0.1 into 5000. या इन शॉर्ट में ये नहीं बोल सकती कि मेरे पास जो टोटल मास आया जब मैंने उसको डिवाइड किया एक यूनिट मास से, उसे एक क्वांटिटी एक कॉइन के मास से मुझे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स मिल गए, इजंट इट. मैंने क्या किया, 5000 को डिवाइड किया 0.1 से, ये पॉइंट ऊपर लगा दो, 50,000, मेरे पास 50,000 कॉइन्स आए. आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि जैसे कि बैंक वालों ने ये सिस्टम यूज किया कि अगर मेरे पास टोटल मास है और उसकी एक क्वांटिटी का मास है तो मैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट कर सकती हूँ. मास और पार्टिकल्स को उन्होंने जोड़ दिया, है ना, मास और क्वांटिटी को उन्होंने जोड़ दिया. केमिस्ट्री में भी यही करेंगे, मास और क्वांटिटी को हमने जोड़ दिया, और अब उसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व होगी मोल कॉन्सेप्ट की. पहले मोल वर्ड का मतलब समझ आया, वैसे तो मोल वर्ड जो है उसका मतलब होता है हीप, हीप ऑफ समथिंग, है ना, और यहाँ पे हीप क्या है, हीप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है. तो ये मोल क्या नहीं है, दैट एनिमल मोल. ये मोल क्या नहीं है, जो भी हमें बॉडी पे जो मोल्स होते हैं, ये मोल का मतलब है हीप ऑफ पार्टिकल्स. और ये भी समझ में आया वो एक मोल किसका किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास रिटन इन ग्राम. अगर जो मास मेरे पास पहले जो पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला यूनिट मास, उसको ग्राम में लिख दो, दैट विल बी इक्वल टू मोल. और ये बात भी सुपर क्लियर हो गई कि यूनिट का मतलब है उसके एक एटम का मास. अगर मैं 12 यूनिट ऑफ कार्बन की बात करूं, मतलब मेरे पास एक कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम का मास होता है 12 यूनिट ऑफ कार्बन, और 12 ग्राम ऑफ कार्बन का मतलब है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है. 12 यूनिट इज द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, 12 ग्राम इज द टोटल मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, दैट मीन्स 6.022×10^23 कार्बन एटम्स. देखो मास को मैंने क्वांटिटी से जोड़ दिया और इतनी आसान हो गई केमिस्ट्री नाउ, ठीक है. अब ये कॉन्सेप्ट तो आपके लिए बच्चों वाला है, क्यों बच्चों वाला है, अभी तो पढ़ाया मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल, और अभी मैंने आपको बता दिया 1 मोल मास क्या होता है. जो भी आपके पास एटॉमिक मॉलिक्यूलर या फॉर्मूला यूनिट मास है उसको ग्राम में लिख दो, आपको मास मिल जाएगा 1 मोल का, वही मोलर मास है. तो घुमा फिरा के इसमें एक दुनिया है गोल गोल, वही यहाँ पे है, और कोई नई बात नहीं सीखी हमने, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस रिटन इन ग्राम. तो अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, कार्बन का जो मास होगा मेरे पास, अगर मैं बोलूँ कार्बन का मास कितना होगा 1 मोल का, तो मैं क्या बोलूँगी, 12 ग्राम पर मोल. ये क्या बन गया, मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल. मास ऑफ 1 मोल इज 12 ग्राम फॉर कार्बन, सो 12 ग्राम पर मोल. अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होगा, कितना इजी है, उसका मॉलिक्यूलर मास लिखो, 1 हाइड्रोजन एटम इज हैविंग अ मास ऑफ 1, 2 इज हैविंग अ मास ऑफ 2, तो 2 यूनिट मास होता, बट ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम में लिखना है मुझे, ग्राम, 2 ग्राम मास रिटन इन ग्राम, दैट इज द मास ऑफ अ मोल.
सो 2 ग्राम पर मोल, याद रखना ये लगाना जरूरी है पर मोल, ठीक है। तो मोलर मास कोई नई चीज तो नहीं सीखी, एकदम क्लियर है कि 1 मोल जो है उसका मास होगा, अगर मैं रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव फॉर्मूला मास में यू को जी से रिप्लेस कर देती हूँ, यूनिफाइड मास को ग्राम से रिप्लेस कर देती हूँ, है ना। अब तो सारी प्रॉब्लम्स क्लियर है। 1 यूनिट हाइड्रोजन एटम का मतलब 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, और 1 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इज इट क्लियर? 1 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन किसका मास है? 1 एटम का। और 1 ग्राम कितना होगा? सेम क्वांटिटी रिटन इन ग्राम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, और 1 मोल हाइड्रोजन में 6.02 इंटू 10^23 एटम। सोचो केमिस्ट्री कितनी इजी हो गई, मैं मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एक साथ कनेक्ट कर सकती हूँ, और अब मैं सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। जो मैंने बैंक वाले एग्जांपल बताया उसको भी यूज करेंगे, ठीक है, कि मैं नंबर ऑफ कॉइंस जैसे निकाल रही थी, केमिस्ट्री में मैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकती हूँ। कितना आसान हो जाएगा, रादर देन टेलिंग कि मेरे पास 5 × 6.02 × 10^23 पार्टिकल्स, इतने पार्टिकल्स हैं, या मैं आसानी से उसको बोलूँ मेरे पास 5 मोल्स हैं। कौन सा ईजी है? ये ईजी है, राइट। तो हम ईजी तरीके की तरफ जा रहे हैं कि कैसे हम छोटा बना सके अपने जितने भी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को। तो 5 मोल्स इसको लिख सकते हैं कैसे, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये सारी की सारी बात क्लियर है। 1 एटम कार्बन 12 यूनिट, तो वो उसका एटॉमिक मास है। और अगर ग्राम एटॉमिक मास की बात करूं या मोलर मास की बात करूं, सो दैट मीन सेम क्वांटिटी रिटन इन ग्राम पर मोल, राइट। ओके, केमिस्ट्री इज सो इजी। सेम अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करती हूँ, जैसे मैंने बताया H2O का मैंने एग्जांपल लिया, H2O की अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट्स 18 यूनिट ऑफ H2O का मतलब है 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। 18 यूनिट किसका मास होगा? 1 मॉलिक्यूल का मास होगा। और 18 ग्राम किसका मास होगा? 1 मोल का मास होगा, मतलब 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल्स। 1 मॉलिक्यूल 18 यू, 1 मोल 18 ग्राम। 1 मोल का मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हियर, यानी कि जब एलिमेंट्स की बात करोगे एटॉमिक मास याद रखोगे, मॉलिक्यूल की बात करोगे मॉलिक्यूलर मास याद रखोगे, आयनिक कंपाउंड्स की बात करोगे तो फॉर्मूला यूनिट्स को याद रखोगे, ठीक है। तो ये तो सब बहुत आसान हो गया, जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है इसके सामने। नाइस, सब कुछ समझ आ रहा है? यस मैम, सब कुछ ईजी लग रहा है। 1 मोल को हमने फिगर आउट कर लिया कि क्या होता है, बिल्कुल सही। अब इस बात को यूज करके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, और सारे रिलेशन को मैं एक बार शॉर्ट में आपको बता भी दूंगी कि कैसे 1 मोल ऑफ पार्टिकल, चाहे वो एटम मॉलिक्यूल आयंस हो, उसने ब्रिज कर दिया मास को और क्वांटिटी को। दैट मींस माय 1 मोल इज इक्वल टू आइदर ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फॉर्मूला मास, ठीक है, और दैट इज ऑल्सो इक्वल टू माई एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। यस, एटॉमिक मास में एटम्स, मॉलिक्यूलर मास में मॉलिक्यूल्स, फॉर्मूला मास में फॉर्मूला यूनिट्स, सब कुछ यहाँ पे है। तो क्वेश्चंस के लिए तैयार हो? बहुत मजा आ रहा है, आई होप आ रहा हो, सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो रही हो, राइट स्टूडेंट्स। और भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो सकती है। लाइक अगर आपके डाउट सॉल्व नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, कि मैम स्कूल में जाते हैं, अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, एक तो टाइम का बहुत इशू होता है, प्लस डाउट्स के लिए अपना नंबर लगाना पड़ता है, फिर भी डाउट सॉल्व नहीं होते। आई वॉन्ट एन इंस्टेंट सोल्यूशन, क्योंकि उसके बाद मेरे दिमाग से स्लिप हो जाता है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नोट्स मिले हर सेशन के, मैंने एक सेशन कंप्लीट किया और उसके बाद मैं 80-90% टाइम लगा देता हूँ नोट्स बनाने में, लगा देती हूँ, उसके बाद लाइक पढ़ाई तो था, कुछ याद नहीं आ रहा अच्छे से, या ऐसा होता है क्या? और पता ही नहीं है प्रॉपर नोट्स बनाते कैसे, सब कुछ कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखे ताकि प्रॉपर सोल्यूशन मिले हर प्रॉब्लम का, और टीचर बोले इसका तो सिंगल मार्क भी मैं काट ही नहीं सकता, है ना, या मैम काट भी नहीं सकती, ठीक है। असाइनमेंट्स हो हर सेशन के बाद, कुछ प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व कर ली खुद से और भी कॉन्फिडेंस आ गया
कि हाँ अब तो ये टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन आ गया आई विल लाइक के इतना अच्छा करूंगा, टीचर बोलेगा इसने तो मचा दिया, मतलब इतना अच्छा पेपर कोई कैसे अटेम्प्ट कर सकता है। और टेस्ट हर 15 डेज में प्रॉपरली टेस्ट, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी साथ साथ करो। इट्स लाइक मैम आई वॉन्टेड टू प्रिपेयर फॉर NTSC बट समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ, क्या बुक्स फॉलो करूँ, क्या एक प्रॉपर कोर्स गाइडेंस मुझे मिल सकती है। मैं सोच रहा था अभी से JEE नीट के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दूँ, या मैं सोच रही थी ऐसा करना शुरू कर दूँ, इज इट पॉसिबल? तो साथ में स्पेशल क्लासेस मिलेगी जिस पे ये सब भी कर सकते हो विद द चॉइस ऑफ योर ओन स्केड्यूल, कि मैं तो इसी टाइम पढ़ना चाहता हूँ। सो स्टूडेंट्स फ्रेंडली आवर प्लेटफॉर्म इज, कि अपनी मर्जी से अपना टाइम चूज करो जब आप फ्री हो, तो ये तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और अपनी पढ़ाई को अपने तरीके से मैनेज करो, ना कि एक इंस्टीट्यूट क्या चाहता है, ठीक है? विद द चॉइस ऑफ योर लैंग्वेज, के हिंदी में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है, या प्रॉपर इंग्लिश में पढ़ना है, सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन मिलेगा हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर आपने इस विजिट को इस लिंक को विजिट किया, दैट इज vdnt.in/ytpro। ध्यान रखना, कॉपी कर लो इसको, आपको ऑलरेडी मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मिस मत करना। जब ये ओपन करोगे दिस विंडो विल बी देयर, और आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना ग्रेड सेलेक्ट करना है, 9th 10th जो भी है अपना ग्रेड सेलेक्ट करो, उसके बाद अपना टारगेट सेलेक्ट करो CBSE ICSE महाराष्ट्र बोर्ड में से, और उसके बाद एकदम क्लिक कर दो ये गेट सब्सक्रिप्शन पे। क्यों सब्सक्रिप्शन चाहिए? जैसे कि अमेजोन नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो, ये सब्सक्रिप्शन तो इतना बेस्ट है। मोनेटाइज्ड वे में भी अगर मैं बात करूं, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और साथ में जरा देखो, यू कैन चूज योर ओन सब्सक्रिप्शन फ्रॉम 1 month, 3 months and 6 months, isn't it amazing? जरा चूज कर लो। मुझे लगता है सबसे ज्यादा बेनिफिट 6 months में होगा, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। इट्स लाइक MRP से 40% डिस्काउंट। द कोर्स वॉज सपोज टू बी फॉर 16,000, और अब आपको मिल रहा है 1629 पर मंथ, दैट मीन्स 9774। इतना डिस्काउंट कब मिल सकता है? व्हेन यू अप्लाई द टीचर कोड, दैट इज AG Pro, अनुभा गौर प्रो। और देखो सेशन में इतना मजा आता है, क्विज भी करते हैं और बहुत बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि उसको कैसे अटेम्प्ट किए कि आराम से कोई भी मुश्किल टॉपिक हो आपको बहुत ईजी लगे। तो ये अप्लाई करना मत भूलना। अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊँ, हर सेशन विल हार्डली कॉस्ट यू फॉर 10 rupees, isn't it amazing? तो बेनिफिट उठाओ, चाहो तो 10 class अटेंड करो एक दिन की ज़रूरत है, चाहो तो 2 class अटेंड करो, अपने आप अपने मालिक हो आप लोग, और अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट बन सकते हो कि मुझे अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करना है। 1 month में भी डिस्काउंट मिलेगा, 2699 का कोर्स डिस्काउंट के बाद मिलेगा 2294। ओरिजिनल MRP वॉज 4000 बाय द वे। देखो कितना डिस्काउंट मिल रहा है। अगर एक ट्रायल देना चाहते हो तो AGPRO कोड लगाते ही यू विल गेट इट फॉर 2294। और 3 months के लिए, 3 months के लिए जो कोर्स 10,000 का था, वेदांतु की तरफ से स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा था फॉर 6999, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना आए। अनुभा गौर मैम का अगर ये AGPRO कोड अप्लाई किया, यू आर गोइंग टू सेव एक्स्ट्रा 27% और 1983 रुपीस पर मंथ पे करोगे। सारे सब्जेक्ट्स के लिए 6 subjects विद फाउंडेशन कोर्सेज, विद माइक्रो कोर्सेज, चैप्टर बेस्ड कोर्सेज, विद एक्स्ट्रा क्लासेस, तो सब कुछ मिलेगा, सब कुछ विद दिस मिनिमम प्राइस 1629 पर मंथ अगर 6 months के लिए जाते हो। तो आई डोंट थिंक ये अपॉर्चुनिटी आपको मिस करनी चाहिए। 10 rupees पर सेशन इज नॉट लाइक कि इतने में तो मैम हम चिप्स की हवा खरीद लेते हैं। ओके तो ये है लिंक और ये है AG Pro कोड, बिल्कुल मिस मत करना, और अभी जरा सब्सक्राइब कर लो इसको और क्लासेस में आराम से आओ, ठीक है? ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो मैम वो रिलेशन बता रही थी कि कैसे मोल ब्रिज कर रहा था आपके नंबर ऑफ एटम्स को, क्वांटिटी को उसके मास से, वो अभी एकदम समझ में आ गया कि एक मोल का मतलब एलिमेंट के लिए क्या क्या हो सकता है। एक मोल अगर मेरे पास कार्बन है तो उसका मतलब है मेरे पास 6.022 × 10²³ एटम्स ऑफ कार्बन है और 12 ग्राम उसका मास है, यानी कि 1 mole में 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम एंड एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10²³ एटम्स। मेरे पास मास मिला
मेरे पास क्वांटिटी मिली और मुझे उसमें एक मोल मिला, कितना इजी हो गया, है ना, बहुत इजी हो गया। अब कोई भी क्वेश्चन आया आप आसानी से कर सकते हो। सेम, अगर मेरे पास एक मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है, उसका क्या मतलब है, एटम्स एक मोल मतलब उसमें 6.022 इंटू 10^23 एटम्स है हाइड्रोजन के, और उसका मास कितना है, 1 ग्राम। मास विच वॉज इन यू, इफ यू राइट इट इन टू ग्राम, दैट विल रिप्रेजेंट अ मोल क्वांटिटी, है ना। चलो, और मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल्स में बस उसको मॉलिक्यूल से रिप्लेस कर दो, दैट्स इट। दैट वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब है एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू रिप्रेजेंट इट्स मॉलिक्यूलर मास रिटन इन ग्राम। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वन मोल ऑफ वाटर का मतलब 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे। तो अब तो बहुत इजी लग रहा होगा। वन मोल ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl का क्या मतलब होगा, कि उसमें 6.022 इंटू 10^23 फॉर्मूला यूनिट्स है मेरी, किसकी, NaCl की, और उसमें कितना मास है। मास कैसे निकालते हैं, पिछली क्लास में देखा था, इसके मास को ऐड कर दो, 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। दैट मींस दिस मच क्वांटिटी इज गोइंग टू हैव दिस मच फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। Isn't it amazing? और एक और बात बताऊं, सीक्रेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, अगर आप वन मोल ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स को तोड़ रहे हो तो आपको कितने आयोन्स मिलेंगे, दिस इज ऑल्सो लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो, अगर मेरे पास सिर्फ एक फॉर्मूला यूनिट होती, नाम सिर्फ मैथ्स है, समझो, है ना। चलो, मुझे पता है कि मैथ्स तो आसानी से कर सकते हो। अगर मेरे पास एक फॉर्मूला यूनिट है NaCl का, तो मुझे जल्दी से बताओ अभी कॉमेंट सेक्शन में, उसमें कितने आयोन्स होंगे, एक फॉर्मूला यूनिट में अगर मैं उसको ब्रेक करूं कितने आयोन्स होंगे। एक Na पॉजिटिव, एक Cl नेगेटिव, दो आयोन्स मिले, राइट। एक फॉर्मूला यूनिट को मैंने ब्रेक किया NaCl के, दो आयोन्स मिले। अगर मैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स को ब्रेक करती हूँ, दैट इज दिस, अगर एवोगैड्रो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स को ब्रेक करती हूँ तो क्या मिलेगा, 2 × एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयोन्स, है ना। यानी कि मुझे एक मोल ऑफ फॉर्मूला यूनिट में एवोगैड्रो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl मिलेगी, लेकिन अगर कोई आयोन्स पूछे, सो 2 times ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयोन्स मिलेंगे। कितना इजी था, मैथ्स लगानी थी, मुझे पता है तुम्हें अच्छे से समझ आ गया, तुम्हें अच्छे से समझ आ गया मोलर मास को कैसे रिप्रेजेंट करना है। मास ऑफ अ मोल जो क्या होता है, मास, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास रिटन इन ग्राम, 18 ग्राम फॉर वाटर, 44 ग्राम फॉर CO2, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, इसको काउंट करोगे मास को, ऐड कर दो, 6 × 12, कैसे, एक कार्बन का 12, 6 का 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस 6 × 16, ये सारा ऐड कर दो, एक कार्बन एटम का 12 यूनिट, एक हाइड्रोजन का 1 यूनिट, मेरे पास टोटल 12 है, एक ऑक्सीजन है 16 यूनिट, तो 6 कितनी होगी, इसको ऐड करोगे यू विल गेट 180, तो 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, जैसा मैंने बताया बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, कनेक्ट करते हैं नॉर्मल मैथमेटिक्स से, जो 7th-8th क्लास की मैथमेटिक्स है उसको, फिर केमिस्ट्री पे जंप करेंगे। कोई आपको बोले 1 dozen मेरे पास मैंगो है, उसका मतलब 12 मैंगोज, राइट। 2 dozen ऑफ मैंगो है, मतलब 2 times ऑफ अ डजन, यानी कि 2 times ऑफ 12, है ना। कितनी नॉर्मल मैथ्स थी। अब देखो केमिस्ट्री में, जैसे केमिस्ट्री में वन मोल रिप्रेजेंट करता है एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर मैं 2 moles बोलूं, 2 times ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर मैं 3 moles, 5 moles बोलूं, तो उतना ही टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 5 times ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। कितना इजी मैथमेटिक्स था। ये क्वेश्चंस आएंगे कि टेल मी 5 mole ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो मुझे पता होना चाहिए। अब रिवर्स फंडा अपनाते हैं, हाउ मेनी dozens आर देयर इन 48 mangoes? अब मुझे क्वांटिटी पता है, मुझे उसका सिंपल सोल्यूशन बताना है कि मैं 48 mangoes, वो तो मैं पहले ही बोल रही थी, मैं लिखना नहीं चाहती, मुझे एक शॉर्ट सोल्यूशन चाहिए, तो हम उसको dozen में लिख रहे थे। तो आपको पता है, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स थी, कि एक dozen में होते हैं 12, यानी कि 12 mangoes होते 1 dozen में, तो 48 mangoes होंगे 1/12 × 48, है ना।
और कितने डजन आए, 4 डजन, यानी कि आपके पास जितनी भी क्वांटिटी थी, जितना भी क्वांटिटी था उसको वन क्वांटिटी से, 1 डजन से जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ डजन्स आ गए. सेम आप यूज कर सकते हो केमिस्ट्री में टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स. गिवन पार्टिकल्स जो है उसको 1 मोल के पार्टिकल से डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स. ईजी है कि हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 12.044 × 10²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. अरे कितना ईजी था, मुझे तो ऑलरेडी पता है 6.022 × 10²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में 1 मोल होता है, बस उसी को तो यूज करना है. सिंपल सिंपल फॉर्मूला डिराइव कर लिया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय पार्टिकल्स इन 1 मोल. ठीक है, कितना इजी बन गया. तो देखो इसको डिवाइड करो, 2 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया. 12.044 डिवाइडेड बाय 6.022, डेफिनेटली कितना आएगा, डेफिनेटली 2 आएगा. मैम कितने सिंपल क्वेश्चंस पूछते हो आप. चलो ठीक है, अब सब लग रहा है ना सिंपल कि मैम हो जाएगा ये टॉपिक. हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 3.011 × 10²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वही करना है. गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स. अरे वाह, कैंसिल आउट, 3.011 को डिवाइड करोगे 6.022 से तो क्या आएगा, ये 2 पे डिवाइड हो गया, राइट. ओके, तो 1/2 का मतलब 0.5 मोल्स. अब देखो मोल्स इंग्लिश में लिखेंगे, अगर आपको एज अ क्वांटिटी यूज करना है तो आप लिखते हो MOL, ठीक है, ई नहीं लिखते, एम कैपिटल इवन, MOL, इस बात को भी याद रखना. मैम कितने इजी क्वेश्चंस पूछे, तो अब लग रही है केमिस्ट्री इजी है ना, कि कैसे मेरे पास मोल्स है तो मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट कर सकती हूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ गिवन सब्सटेंस, मैं उसका मास भी फाइंड आउट कर सकती हूँ. सारी चीजें रिलेटेबल है, बट ये तो सिर्फ कुछ क्वेश्चंस देखे. अगली क्लास में और बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपका कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन मिस ना हो. तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है. तो अगली क्लास बिल्कुल मिस नहीं करनी है. और अभी के लिए इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, कितना ईजी है. इफ़ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेज 12 ग्राम, अरे मैम इतना ईजी क्वेश्चन, 12 ग्राम, वट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन. 1 मोल में 12 ग्राम, 1 एटम में कितना मास, कितना ईजी हो गया. देखो सब कुछ रिलेटेबल है केमिस्ट्री में, और आज ही डिस्कस किया है. तो प्लीज डू ट्राई दिस एट होम, एंड आई होप सारा सेशन मक्खन क्लियर हो गया होगा आपको. तो आज हमने मोल कॉन्सेप्ट के बेसिक सीख लिए, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करना सीख लिए. नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो प्लीज डू नॉट मिस इट, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा. ओके, so yes, I hope that's pretty much clear. I hope you know how to choose the best subscription for you. So Vedanto ki site pe jao, ytprovdnt.in/ytpro. Ye link aapko description box mein milega. Usse apni grade select karo. Uske baad apna target select karo. CBSE, ICSE aur Maharashtra board mein se. Aur subscription pe click karo. Theek hai? Aur choose kar lo apna subscription for 1 month, 3 months and 6 months. सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस पे मिलेगा, इफ यू विल बी अ लॉन्ग टर्म स्टूडेंट्स ऑफ वेदांतु. ठीक है, 1 मंथ के लिए अगर ट्राई करके देखना है तो वो भी एकदम अच्छा है. सारे 6 सब्जेक्ट, सारे माइक्रो कोर्सेज, चैप्टर बेस्ड कोर्सेज, सारे फाउंडेशन कोर्सेज, IIT, JEE, NEET, NTSC जो आने वाला है, सब कुछ मिलेगा विद द अटेंशन ऑफ योर मास्टर टीचर्स. चैट भी कर सकते हो क्लास टीचर्स, अमेजिंग एनिमेशन, अमेजिंग क्विज, सब कुछ मिलेगा अगर 1 मंथ के लिए AGPRO कोड के बाद 2294 में. नॉट अ बैड डील एट ऑल. और 3 मंथ्स के लिए सिर्फ 1983 और 6 मंथ्स के लिए जस्ट 1629 पर मंथ. 1 मंथ में 1629, आई डोंट थिंक दैट मच, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट हार्डली यू आर गोइंग टू पे 10 रुपीज पर सेशन एज वी सी द एवरेज. तो हवा नहीं खरीदनी है, बेटर जगह इन्वेस्ट करना है. सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट आवर कोड and our link that's given to you. Hope you like the video. Please do let me know in the comment section, and definitely you can reach out to me on my email ID. I hope you have already hit the like button. Nahi kiya to abhi jaldi se kar do. Please
सब्सक्राइब इट अगर आप नए हो इस चैनल पे, और शेयर करो जितना कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ कि कितनी अमेजिंग वीडियो सारे टीचर्स अब सारा डेडिकेशन आपको दे रहे हैं और सब कुछ करते हैं यहाँ पे. ऑल राइट, आई सी योर रिस्पॉन्स आफ्टर दिस सेशन. डू लेट मी नो. अंटिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, मिड टर्म एग्जाम्स. जल्दी मिलेंगे. हास्ता लविस्ता. बाय बाय.